स्वागत है भाई। आदत है तुमको भी क्या चॉकलेट खोल के आदत है? कहाँ है चॉकलेट? वहाँ रखा हुआ खुला पर यहाँ काटो पड़ा हुआ। तुम तो टीचर को बोल देंगे? मेरे नहीं बोलना। Hey guys, welcome back to my vlog. So guys, how are you? I hope you all are going good and happy. आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन क्लीन। तो आपने देखा मैंने अब आफ्टरनून को मैं अभी भी स्कूल से आया था उस वक्त मैंने पपाया कट किया और हम दोनों खाएंगे पपाया। थोड़ा बहुत खाएंगे फ्रूट्स आफ्टरनून को मैं यहाँ खाती हूँ क्योंकि सुबह शाम यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा जैसा ठंडक बोलते हैं ना एकदम हमारी तरफ वाली जो ठंडी होती है वैसा सुबह शाम। तो खाना तो सही नहीं है और आफ्टरनून का थोड़ा जो वेदर है वो नॉर्मल रहता है तो ओके ओके रहता है अभी। और बारिश भी होती रहती है तो ठंडी ठंडी जैसा वेदर है यहाँ पर। लेकिन फ्रूट भी खाना ज़रूरी है। तो हम मुझे लगता है मैं कब खाऊँ, मुझे तो हर हमेशा सर्दी जुकाम खांसी लगा ही रहता है तो मैं आफ्टरनून को ही खाऊँगी। तो मैंने कट किया है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ गैस की क्लीनिंग, आई मीन स्लैब इंडक्शन सभी साफ़ करूँगी और थोड़े बहुत बर्तन थे वो से मैं क्लीन करूँगी क्योंकि हमारा लंच बन चुका था। तो लंच बनने के बाद में भी कुछ बर्तन हो ही जाता है जो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीन कर लेती हूँ अभी, देन उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैंने आप लोग के साथ में आफ्टरनून किचन क्लीनिंग व्लॉग स्मॉल वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे मैं थोड़े बर्तन थे वो मैं क्लीन करके रख लूँगी। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे खांसी सर्दी जुकाम ये सब लोशन सब लगा ही रह रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल भी मैं स्वस्थ नहीं रहती हूँ। जैसे तैसे हमारा काम हो रहा है अभी और कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें। उनकी भी तबीयत ख़राब, मेरी भी, बेबी की भी, सबकी यहाँ पे हालत ख़राब है। और उधर से किचन क्लीन करके मैंने सोचा कि कुछ कपड़े, देखो मेरे कपड़े सभी ऐसे रहते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं फोल्ड करूँ सॉरी। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े हैं ये सभी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि अगर फोल्ड ना करूँगी ना तो वैसे क्या वैसे रह जाएगा बिस्तर पे। और मैं एक्चुअली अभी तक आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा मैं कितना टायर्ड दिख रही हूँ जी, क्योंकि क्या होता है ना मैं कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ फिर भी एकदम टायर्ड जैसा हो जा रहा है। तो मैं आप लोग के साथ मैं व्लॉग में शेयर कर ही नहीं पा रही, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही। और अभी वर्मा लक्ष्मी था, पूजा था, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, ये जो पूजा होता है ना साउथ इंडियन के लिए बहुत बड़ा पूजा होता है लाइक लक्ष्मी पूजा, तो उन लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। मैं गई भी थी पूजा में तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया है वो मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूँगी। और क्योंकि उस दिन का वेदर इतना ख़राब था ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने शाम को पूजा होती ना शाम को वहाँ यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी उस वक्त कि एक्चुअली क्या बोलते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि एक्चुअल में क्या बोलते हैं जो देते हैं ना खुशी में, तो मैं पूछ लूँगी तब तक। और इस ब्लॉग के बाद में ही करूँगी, इट मीन्स आज अगर ये ब्लॉग शेयर हो जाता है तो मैं कल या परसों कर दूंगी व्लॉग नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट वाला शेयर। और बहुत सारा व्लॉग मैंने अच्छा अच्छा व्लॉग किया है मैंने सूट, बट नहीं हो पाता है एडिट। और मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं ये सभी को मैं ऐसे ही रैंडम ही मैं रख रही हूँ क्योंकि अंदर अगर चला गया तब तो ठीक है, पर बाहर रहेगा तो फिर कवरा जैसा मुझे अच्छा लगता है देखने को, साफ़ रहना, बेड वेड में सब कुछ चाहती हूँ एकदम अपनी जगह पे रहें ताकि अंधेरे में भी हमें जो भी चाहिए जो भी चीज़ चाहिए हम उठा लें, ऐसा हम मैं रखना चाहती हूँ अपने घर को। और मैं अपने बेबी को भी ये बोलती हूँ कि प्रॉपर जहाँ से जो चीज़ उठाओ वहीं पर रखा करो, एटलीस्ट अपने सेल्फ में ही रखा करो, अपने ही सेल्फ में रखा करो ताकि खोजना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देखो सभी मैं फटाफट से करूँगी क्लीन और मेरा वेडर क्लीन हो जाएगा। और फिर उनका टाइम था और मेरा बेबी इस टाइम तक में ना टीवी देख रहा होगा या फिर खेल रहा होगा, नहीं आ रहा, इट मीन्स खेल रहा था बाहर या फिर टीवी देख रहा होगा। और फटाफट से मैं कर लूँगी क्लीन एंड सब कवर्ड में सेट हो गया। और कवर्ड में सेट करने के बाद में मैं सोच रही थी अभी एकदम कोई काम नहीं करने वाली हूँ, मैं करूँगी रेस्ट। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बेड को भी क्लीन करूँगी एंड आफ्टर क्लीनिंग बेड आई विल गो
टू टेक रेस्ट, बस आधा ही घंटे ही। और अभी तक मैं अपने कवर्ड को कर रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं कौन सा काम करूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके बाद वाला व्लॉग है ना, वो मैं कर दूँगी शेयर, क्योंकि ये करीब 45 मिनट्स का था, वो मैंने काट छाट के इतना कम देर का बनाया है। और अभी तक में मेरा फेस देखने से लग ही गया होगा कि मैं कितना टायर्ड हो जाती हूँ, कितना जल्दी जी। हाँ, मैं थोड़े बहुत भी काम करती हूँ, आई थिंक ड्यू टू वीकनेस, आई डोंट नो क्या, मैं थोड़ा से भी अगर खा रही, मैं थोड़ी देर रोटी बना लूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना काम कर लूँ, कितना थकावट हो गया है। तो मैं यहाँ पर कर रही करूँगी अभी रेस्ट, देख सकते हो मैंने खटन वटन साफ़ करने के रखा है, इसलिए मैं लगाई नहीं हूँ अभी।